हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे वीवो के नए फ़ोन की, जो कि है वीवो S1 Pro, और साथ ही साथ मैं उसका एक क्विक रिव्यू आपको दे दूंगा। पर अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साइड में आ रही बेल आइकन को भी दबा देना। तो फ्रेंड्स, वीवो ने इस फ़ोन को जल्दबाजी में लॉन्च करा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ना तो इसकी प्राइसिंग अच्छी है और ना इसमें जो फीचर देंगे वो अप टू द मार्क है। तो मैं थोड़ा निराशाजनक हूँ वीवो से। तो देखते हैं बॉक्स की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जो वेरिएंट खरीदा है वो है 8GB 128GB। तो यहाँ पर पीछे उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगी। यहाँ पर जैसे आपको क्वाड कैमरा मिल जा रहे हैं, 48 MP का मेन है, और यहाँ पर 32 MP की सेल्फी, डिस्प्ले कैमरा और कुछ दूसरे फीचर। तो ये प्राइसिंग में थोड़ा ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया 19,990 का है। तो इसी हिसाब से करते हैं बॉक्स को ओपन। तो यहाँ पर हमें एक बॉक्स में यहाँ पर केबल मिल जाती है, कुछ नया स्टाइल है वीवो का इस बार। हमें पहले नीचे देखने को मिलती थी, पर अब यहाँ पर वो सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। पीछे कुछ यहाँ पर मैलोस दिख गई, इनको कौन पहचान रखते हैं इनको साइड में। तो यहाँ पर केस मिल जाता है, केस काफ़ी अजीब सा है। इसमें यहाँ पर आपको कुछ डायगनल सा मिलेगा कैमरा। तो निकालते हैं अपने फ़ोन को। तो फ़ोन काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। फिलहाल इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में आपको और क्या क्या मिल जाता है। तो इसको रखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको चार्जर मिल जाता है, ये फास्ट चार्जर है 18 वॉट का। तो यहाँ पर इस प्राइसिंग में 30 वॉट का चार्जर दे रहा है आपको रियलमी X2, तो ये थोड़ा डाउनग्रेड बात है। और यहाँ पर ये ईयरफोन है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के देता है वीवो अपने फ़ोन में। ये एक बढ़िया क्वालिटी लगती है मुझे वीवो की, कि हर फ़ोन प्रोवाइड करता है बजट से लेके प्रीमियम तक में। तो इसके एक्सेसरीज को साइड में रख देते हैं, बढ़ते हैं फ़ोन की तरफ। तो फ़ोन के रैप को हटा देते हैं, यहाँ पर निकालते हैं अपने फ़ोन को। तो जो मैंने कलर मंगवाया है वो है ब्लू कलर में, तो बिल्कुल बढ़िया लग रहा है देखने में। तो डिज़ाइन तो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार कैमरा, 3 बीच में और 1 साइड में दिया गया है, और साइड में एक लाइन दी गई है आपको, नीचे वीवो की ब्रांडिंग दी गई है आपको। और इस साइड में जाते हैं, यहाँ पर आपको 6.39 इंचेस की डिस्प्ले दी गई है। तो ठीक ठाक डिस्प्ले है, कॉम्पैक्ट फ़ोन में से कह सकता हूँ। तो ओपन करते हैं फ़ोन को। यहाँ पर एमोलेड स्क्रीन भी आपको दी गई है, तो जो कलर सैचुरेशन होगी वो बहुत बढ़िया होगी। तो ऊपर आपको डॉट नॉच दी गई है इस फ़ोन में, जो कि ओपन करने के बाद आपको दिख जाएगी। और वहीं पर साइड में आपको यहाँ पर सिम डालने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर आप 2 सिम कार्ड और 1 SD कार्ड डाल सकते हैं, जो कि वीवो अपने हर फ़ोन में देता है। और इस साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर और यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएंगे। वहीं पर नीचे की साइड हम देखें तो यहाँ पर आपको Type-C पोर्ट, जो कि बहुत बढ़िया है। उसी के साइड में आपको देखने को मिल जाता है स्पीकर। तो स्पीकर काफ़ी लाउड रहता है वीवो के फ़ोन का। तो ऊपर हमें हमारा प्यारा ऑडियो चैक भी मिल जाता है। तो पीछे जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि वीवो की ब्रांडिंग है, हमने ब्लू कलर में लिया है, वो थोड़ा डायगनल सा कटआउट है। तो यहाँ पर ओपन हो चुका है हमारा फ़ोन। तो फ्रंट टच OS है, तो ये iOS से थोड़ा सा इंस्पायर होता है फ्रंट टच OS। तो यहाँ पर कर लेते हैं फ़ोन को ओपन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन तो फ़ोन का तगड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ऐप्स आपको इंस्टेंट मिलेंगे। यहाँ पर हम जो फालतू ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे ही मैंने बड़े आराम से यहाँ पर डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पर अब चेक करते हैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर को। तो काफ़ी फास्ट है फिंगरप्रिंट स्कैनर, वीवो S1 में भी बिल्कुल ऐसा ही था, और थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया है उन्होंने इसको। तो एक तो सेकंड में ही बिल्कुल ओपन हो जाता है, जैसे आप उंगली देखिए, दोबारा उंगली रखी ओपन हो गया, उंगली रखी और ओपन हो गया, तो काफ़ी फास्ट है। तो यहाँ पर इसके फेस अनलॉक को भी चेक कर लेते हैं। तो अब मैं नहीं देख रहा हूँ, और जैसे मैंने देखा ये ओपन हो गया। आपको लॉक स्क्रीन भी नहीं दिखती है, ये काफ़ी बढ़िया बात है, काफ़ी फास्ट है ये भी। तो फिलहाल मैंने इस फ़ोन में कई सारे एप्लीकेशन ओपन करे और मुझे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। तो डेली यूज़ में ये फ़ोन बिल्कुल बढ़िया रहेगा। तो बात कर लेते हैं गेम के लिए आपको फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं। तो मैंने इसमें पबजी चलाकर देखा है, तो बैलेंस या लो सेटिंग्स में बहुत ही स्मूथ चलता है, उससे ऊपर थोड़ा आपको लैग देखने को मिलेगा। तो थोड़ा हीटिंग इशू भी है इस फ़ोन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इसकी स्क्रीन की। तो स्क्रीन जो है, जैसे मैंने बताया आपको एमोलेड है, तो कलर्स काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे, सैचुरेशन भी काफ़ी बढ़िया है इसमें। ये फुल HD आपको स्क्रीन देता है एमोलेड। तो यहाँ पर इसका साउंड सिस्टम भी बहुत बढ़िया है, आवाज़ थोड़ी बहुत ही बढ़िया आती है, पर अगर आप फुल आवाज़ कर देंगे फ़ोन की तो थोड़ी फटी फटी सी आवाज़ आती है। पर अगर ईयरफोन लगा लेंगे तो ये इशू भी आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरे की। तो यहाँ पर मैंने कई सारी फोटो खींच ली थी इसके कैमरा से। पहली फोटो है ये इस बाइक की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइक की सारी चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल है। ग्रीन बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा है, सारे कलर और सारी चीज़ें दिख रही हैं बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्रोमा बूस्ट का भी यूज़ कर देखा था, तो आप देख सकते हैं और निकल कर आ रहे हैं कलर्स। पर्पल बहुत ज़्यादा पर्पल नहीं हो रहा, वाइट बहुत ज़्यादा वाइट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही बढ़िया कैमरा है इस फ़ोन का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन।